मौलाना रजा साकिब मुस्तफाई साहब के ऑडियो बयानात के लिए साकिब प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। कुरान मजीद के अंदर जहां रोजे की फर्जियत का इरशाद फरमाया, वहां साथ ये बात फरमाई कि इसलिए तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये मकसद रोजा है, अल्लाह ये चाहता है, वरना उसको क्या जरूरत है कि बंदे को भूखा और प्यासा रखे। वो तो चाहता है कि ये बुराइयों से बाज आ जाए। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल अज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाह हाजतुन फी अन यदा ताअमहु व शराबहु। जो शख्स झूठ और झूठे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता कि वो भूख और प्यास की मुशक्कत गवारा करे। उसका तो मकसूद यह है कि इसकी इसके दिल के अंदर उसकी खशियत पैदा हो जाए, इसीलिए उसने रोजा हमारे ऊपर फर्ज किया है। वरना वो कैसे चाहता है कि मेरा बंदा भूखा रहे। एक माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा भूखा रहे, और जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है उसने कैसे चाह लिया कि मेरा बंदा भूखा रहे। माँ के प्यार को दुनिया के किसी तराजू पर नहीं तोला जा सकता। और जो मालिक है, माँ को इतना प्यार बेटे से किस लिए है? इसलिए कि उसने बेटे को जन्म दिया। जिसने जन्म दिया उसको इतना प्यार है, तो जिसने तख्लीक किया उसको कितना प्यार होगा। तो माँ नहीं चाहती मेरा बेटा भूखा रहे, तो मालिक ने कैसे चाह लिया, चलो आओ फिर माँ की गोद में आ जाओ। माँ बेटे की आंख में एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी। बेटा हो गया बीमार, माँ ले गई डॉक्टर के पास, उसने जो दवा तजवीज की वो कड़वी थी, माँ ने जबरदस्ती लटा लिया, बेटा पीता नहीं, माँ ने मुंह खोला और कड़वे सिरप के कतरे उसके हलक में टपका रही है। बच्चा चीखता है, लेकिन जू जू वो सिरप के कतरे हलक से नीचे उतरते चले जाते हैं, माँ को करार आता जाता है, उसको तमानियत मिलती जाती है। माँ क्या सफाक हो गई? नहीं। इसका प्यार छिन गया? नहीं। इसकी ममता रुखसत हो गई? नहीं। वो तो बेटे की आंख में एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी, और अब तड़पता हुआ बेटा, लेकिन माँ के चेहरे पर तमानियत का नूर है। असल बात यह है कि मां जानती है, बेटा नहीं जानता। मां जानती है चंद लम्हों की तकलीफ है, नतीजा शफा की सूरत में बरामद होगा। इसलिए मां की नजर इस तड़पने पे नहीं है, मां की नजर उस नतीजे पे है। मालिक जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा भूखा और प्यासा रहे, लेकिन मालिक कहता है इसके बावजूद तू भूखा और प्यासा रहेगा। क्यों? लाला कुन तत्ताकून, मेरे बंदे तुझे तकवे की बहारें नसीब होंगी, तेरे मन को रोशनी और तेरे मन को उजाला नसीब हो जाएगा। तो ये तकवा नसीब होता है रोजे से। चूंकि ये बात ज़हन में रखें, हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें नेकी के रास्ते से रोक रहे हैं। बात लंबी हो रही है, इख्तसार कर रहा हूं। हमारे दो दुश्मन हैं जो हर वक्त हमारे साथ लगे हुए, एक शैतान और दूसरा नफ्स। जो शैतान है वो बड़ा दुश्मन है या नफ्स बड़ा दुश्मन है? तो आप इस बात पर किसी दलील की जरूरत नहीं, आप सब कह रहे हैं कि नफ्स। और सादी सी बात है कि शैतान आदमी को बहकाता है, लेकिन शैतान जब खुद बहका, उसने इनकार सजदा किया, उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो था नहीं। तो शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है। तो ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। अकेली जान दो दुश्मनों के नरगे में, लेकिन जब माहे सयाम आया, सुलसिला शयातीन, हदीस में आता है शयातीन जकड़ दिए गए। दो दुश्मनों में एक दुश्मन हमारे जकड़ दिए गए, अब एक दुश्मन हमारा बाकी है नफ्स। अब नफ्स का मुकाबला कर लेंगे तो शैतान छुटकर हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हमने इस मौसम के अंदर अपने नफ्स का मुकाबला ना किया, तो फिर हम जो है वो इस नफ्स की शामत से शैतान के हत्थे भी चढ़ जाएंगे। अब नफ्स की तरबियत कैसे करें? उसकी तरबियत भी रोजे से होती है। आप कहेंगे वो कैसे? तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार का कौल सुनाता हूं। शेख फरीदुद्दीन अत्तार कौन शख्स है? किसी मामूली शख्स का नाम शेख फरीदुद्दीन अत्तार नहीं है। अल्लामा इकबाल के रूहानी पेशवा, जिनको वो मुर्शद रूमी कहते हैं और अपने आप को मुरीद हिंदी कहते हैं। और ये बात जहन में रखें कि इकबाल ने रूमी को वैसे पीर नहीं मान लिया, बड़ा चुन के पीर तलाश किया इकबाल ने। बल्कि जब पीर दो हों और दोनों ही बड़े काबिल हों और मुरीद के लिए मुसीबत बन जाए कि इधर जाऊं किधर जाऊं, इम्तिहान तो उस वक्त होता है। अब इकबाल के लिए जो है वो दो चीजें थी, एक राजी और एक रूमी। इकबाल कहता था मैं रूमी को पीर मानूं या राजी को पीर मानूं। चूंकि राजी इस्तदलाल का शहनशाह है और इकबाल फलसफे का इमाम है, फलसफी का मिजाज यही चाहता है कि जो इस्तदलाल का बादशाह हो उसको अपना शेख माना जाए। लेकिन जो रूमी है वो दिल का शहनशाह है,
इकबाल शायर है और इकबाल का मिजाज था कि जो मेरे दिल का भी इमाम हो वही मेरा शेख हो और वही मेरी रहबरी करे। तो इकबाल जो है वो उलझा रहा है इस मामले में, क्या करूं। वो खुद कहता है, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साज रूमी कभी पेचो ताबे राजी। कभी रूमी का सोजो साज मुझे पसंद आता था, कभी राजी का जो है वो मुझे पेचो ताब पसंद आता था। फिर इकबाल ने जिंदगी की कई बहारें मुर्शद के इंतखाब के अंदर गुजार दी कि मैं रूमी के हाथ में बैत करूं या राजी के हाथ में बैत करूं। फिर एक वक्त आया कि इकबाल ने खुद कहा, नए मोहरा बाकी है नए मोहरा बाजी, जीता है रूमी हारा है राजी। वो कहता है रूमी जीत गया और राजी हार गया। फिर उसने रूमी को अपना शेख और मुक्तदा माना। इकबाल जिसको अपना मुक्तदा मानता है, जिसको अपना इमाम मानता है, अब उस रूमी की सुनिए। वो कहते हैं, हफ्त शहरे इश्क रा अतार गश्त मा हनूज अंदर खमे यक पूचाम, इश्क के सातों शहर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं, हम पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़े हैं। ये रूमी कह रहे हैं जिसको इकबाल ने बड़ी छान फटक के बाद अपना पीर माना है, वो फरीदुद्दीन अत्तार जो मारफत का इमाम है और अल्लाह के राजों का अमीन है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं, नफ्स नतवा कुछ इल्ला बासे चीज बात गोयम यादगीरश ए अजीज। कहा, नफ्स नहीं मरता लेकिन तीन असले हैं, अगर तेरे पास हों तो तू नफ्स पर काबू पालेगा। वो तीन असले कौन से हैं। कहा, खंजरे खामोशियो शमशीर जू नेजाए तन्हाइयो तरके हुजू। एक खामोशी का खंजर, एक भूख की तलवार और एक तन्हाई का नेजा। अगर ये तीन असलहे तेरे पास हैं, तू नफ्स पे टूट पड़े इन असलों को लेकर तो तेरा नफ्स तेरे काबू में आएगा। इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है इस नफ्स को काबू करने का। हजरत बाहू जैसे भी बोल पड़े, बाज फकीरां किसे नहीं मारिया, बाहू जालिम चोर अंदर दाहू। ये जो अंदर का चोर है इसको पकड़ लेना और इसको काबू में कर लेना और अपने दिल की हिफाजत कर लेना, यही बड़ी दौलत है। फरमाते हैं कि तीन असले हैं, एक खामोशी का खंजर और एक भूख की तलवार और तीसरा तन्हाई का नेजा। का इन तीन असलों से अगर तुम काबू पाना चाहो तो पा सकते हो, इसके अलावा कोई और असला नहीं है जो तुम्हारे नफ्स को तुम्हारे काबू में ले आए। तो फिर भूख की तलवार ऐसा असला है जो नफ्स का सर काट देती है। और मेरे और आपके आका व मौला कल्बो दिलो निगाह के मुर्शद अव्वलीन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन यस्तते मिनकुम अलबा फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज फमन लम यस्तते फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउ। ए जवानों के गरो, तुम में से अगर कोई शख्स निकाह की ताकत रखता है तो वो निकाह कर ले, ये नजर और शर्मगाह का मुहाफिज है। और अगर तुम में से कोई निकाह करने की फिलहाल ताकत नहीं रखता तो वो रोजे रखे, रोजे शहवात को तोड़ते हैं। तो नफ्स की तहजीब भूख से होती है और भूख एक ऐसा असला है कि जिससे हम अपने नफ्स को काबू में ला सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैह रहमा जो तसव्वुफ के सरखैल और इमाम हैं, आप फरमाते हैं कि आधी फकीरी रोजा है और आधी फकीरी बाकी सब कुछ है। तो रोजा अगर नसीब हो गया तो फिर मालिक का कुरब मिल गया।